आपको पता है नो दो नए गैंग मेंबर आए इसमें हमारे शरारती था तुम मुर्गो में हाँ मुर्गों में आए वो हैं का वो तो अभी पीछे ही हैं नहीं आपके पीछे हैं और ये इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे मार रहे हैं ना इसलिए बता दिया नेहा ने एक नाम सजेस्ट करा था सीता गीता सीता बबीता मुझे तो अच्छा लग रहा है सीता गीता अच्छा है सीता गीता क्योंकि मंत्रणा हो रही है कि इस सिचुएशन को भाई कैसे हैंडल करें रोगना रोड क्रॉस कर रहा था एक गाड़ी वाला आया गाड़ी को हिट किया और 15-20 फीट गाड़ी के साथ ही ले गया कुत्ते को अभी वो छिपा हुआ साइड में दीवार के पास में अभी हाथ नहीं लगाने दे रहा कोई पकड़ोगे थोड़ी दिक्कत होगी तो अभी निकलते हैं ना आगे बंदा आगे नहीं जाएगा ठीक है बैठो बस शांत काटेगा नहीं बस जाल डाल के ना नेट डाल के जगह तो बहुत कम है हाँ भाई यहीं से आता मैं पर इसे दो तरह भाई आ जाएगा अच्छा अच्छा कूद वैसे कूद तो नहीं पाएगा यार भाई यहाँ से आ रहे बस 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 दो मिनट बात इसके मुंह में भी खून आ रहा है यार हाँ मुंह टांग टूट गई है पूरी भैया संडे को आऊंगा देखने के लिए ना हाँ हाँ भैया बिल्कुल संडे को मुझे छुट्टी है इस डॉग के पैर में फ्रैक्चर है पिछली टांग में हड्डी बाहर निकल गई ओपन फ्रैक्चर है मसल्स रप्चर्ड हैं सारे और इसके स्पाइन के अराउंड भी थोड़ी स्वेलिंग है अभी तो हम इसका पहले स्टेबल करेंगे डॉग को एक्सीडेंट हुआ तो शॉक में होगा फ्लूइड थेरेपी एंड उसका थोड़ा सा ब्लड लॉस ज्यादा एनीमिया स्टेबलाइज करेंगे इन्फेक्शन स्टेबलाइज करेंगे और उसके बाद ही थोड़ी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो पाएगी ये दर्द में है पर बच जाएगा ना लेकिन ब्लॉट नहीं है इंटरनल डैमेज तो नहीं है फ्रैक्चर है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ जस्ट लाइक जो रेस्क्यूअर्स के लिए कि जैसे ऐसे केस में हमें पक्का नहीं है कि इंटरनल ब्लीडिंग है या नहीं है चांस हो सकता है स्लो ब्लीड हो तो ऐसे केस में हमें टेक्सा ब्लीड दे देना चाहिए पहले या नहीं देना चाहिए तुमने किसी समय कांगड़ी भाषा का शायद मजाक उड़ाया है नहीं वो तो मैं राजनीतिक मिमिक्री करता हूँ तो राधा दीदी का मजाक उड़ा रहे थे लोगों को लगा तुम भाषा का मजाक उड़ा रहे हो तुम अपोलोजाइज कर ही दो ना जस्ट इन केस आजकल भैया सेंसिटिव जमाना है क्या पता तुम्हारे पे केस हो जाए कोई अभी देखो मुझे एक वीडियो डाउन करना पड़ गया सॉरी गाइस मैं राधा दीदी का मजाक उड़ा रहा था कांगड़ी भाषा का मैं तो फालतू की हूं ना हर कोई मेरा इंसान की वैल्यू कम है आजकल धर्म और ये कल्चर इस सब की वैल्यू ज्यादा है पर जिन जीवों की इन सब चीजों में रक्षा करनी है उनकी वैल्यू नहीं है आप भी जीव हो ऐसा कुछ नहीं पॉइजनिंग कैसे हाँ जी वो एक बकरी है उसने वो पॉइजनिंग वाला वो प्लांट खा लिया ना कौन सा फुलनू फुलनू नहीं कोई नया प्लांट लेके आए दो साल ने बोला कि वो चारकोल पाउडर चाहिए अपने पास वो पड़ा नहीं है एक्टिवेटेड चारकोल नहीं ये ब्रेड वाला किया था लास्ट टाइम ये और पाउडर कर रहे हाँ ये पूरा पिसने रहा देखो ब्राउन रह गया अभी इसका फर्स्टली जो इसने पॉइजन खाया तो हम इसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं थ्रू फ्लूइड थेरेपी चारकोल भी प्रिपेयर किया है तो हम इसके हर एक आधे घंटे में उसको 10-10 ml इसको कंज्यूम करवाएंगे ताकि जो भी जहर है वो बॉडी में और ज़्यादा ऑब्जॉर्व ना हो ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिन रिलीफ हुआ है वो फ्लूइड थेरेपी के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाए डॉक्टर नीचे पौधा कौन सा पता लगा आपको आई डोंट नो नाम तो हमें भी नहीं पता पड़ोस वाले ने डाला था अच्छा अच्छा तो ये अभी आज सुबह ही खाया इसने हाँ जी मतलब अभी ये काफ़ी एक्टिव है जो भी इसके आईज के और गम्स के अराउंड जो लाल रेडनेस जो आ रही थी वो कम हो चुकी है और जो मुंह से झाग आ रहा था वो भी बंद हो गया है ये जो क्रूरता हो रही है इसके साथ डीजे एसिड ये रोटी भी नहीं खा रहा ज़्यादा ही बुरा हाल नहीं है इसका ये डेथ इशू है सारा देखिए सिल्वर नाइट्रेट की थोड़ा सा ठंडक पहुँचेगी इसको इससे एंटीबायोटिक देंगे अभी इतना पता चलेगा कल के पोजीशन इसकी ठीक कर रहे बेटे तेरे को तो सीवियर बर्न्स है ना सीवियर बर्न्स की वजह से बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है और साथ में वाटर लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम इसको फ्लूड थेरेपी दे रहे हैं फिर कितनी बोटलें चढ़ रही हैं इस बैल को इस बैल को 10 bottles मजल इसका अभी सेमी मॉइस्ट टाइप का है अभी तो दैट मीन्स कि ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं है पर सीवियर डिहाइड्रेशन होते तो ये 30-35 bottles जा सकते पर डे पर डे तुम पानी क्यों नहीं पिला दें इसे बढ़िया अगर एनिमल पानी ही ना पी रहा होता इसको देखो बदतमीज को हीरो बन रहा है ये दोनों मुझे मारते हैं चूचू भी और राजा भी उस गाय का नाम तुम टेलीफोन रखना चाहते हो टेलीफोन मेरे को भी दिमाग में वही आया टेलीफोन अभी एक केस आया है क्या हुआ एमरजेंसी है गाय पत्थर में फंसी थी पत्थर में फंसी थी पुलिस वाले बता रहे हैं क्या हुआ सर गाय को ये तो ना यहाँ कट जैसा लगा है तो आप लोगों ने निकाला था इसको हाँ जी हाँ जी गाय तो टेढ़ी वाली है ये गाय है ना
अरे 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 बस 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 चीटी काट गई चीटी काट कुछ नहीं हुआ दीदी कितने गंदे लोग हैं ना दुनिया में क्यों भैया ये टैग निकाल दिया आवारा छोड़ दिया इतनी बढ़िया गाय को है मैं कितनी शांत गाय है देखो भैया अगर वो टैग नहीं निकालती तो फंस नहीं जाती तो लोग बहुत स्मार्ट हैं मेरे को इतना जमा नहीं नाम बट तुम कह रहे हो तुम गए थे तो ठीक है टेलीफोन क्योंकि टेलीफोन आया था ना इसके रेस्क्यू के लिए तो सभी के लिए टेलीफोन आता है हमें बस हम यही रखेंगे टेलीफोन मोबाइल दो नाम मतलब ज़्यादा दूर का नहीं सोचा विक्की तुमने सर ये वाला स्टिकर रात को चमकता है हाँ मतलब लाइट लाइट पड़ती है तो ऐसे रिफ्लेक्ट करता है जैसे हाँ खुद से नहीं चमकता नियॉन साइन वाला नहीं है कि एकदम डिस्को गाड़ी मैंने उसमें भी देखा अभी जो हमारा जो मिट्टू बैल रेस्क्यू हुआ है तब तब भी इस साइड पे लगाने था मेरे को ध्यान है मैंने कहा ये लगाना है कब से प्रिंट होके आ रखा है सीधा है थोड़ा नीचे करो नहीं थोड़ा ऊपर करो खींच कर रखा है ना हमने हाँ बबल आ जाएंगे नहीं तो अरे जय इसका क्या मतलब है सर जीव हितैषी जन जीव हितैषी जन मतलब कि वो लोग जो जानवरों का अच्छा चाहते हैं ह्यूमंस हेल्पिंग एनिमल्स आप तो समझ गए ना ज़्यादा अभी जी सर ये ज़्यादा इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं ना इतना ही था ठीक डॉक्टर अनीशा हाउ इज समोसाज हेल्थ अपडेट समोसा का हेल्थ अब भी अच्छा है बहुत फ्लीस था थोड़ा टिक्स था एनीमिया था तो थोड़ा दवाई के साथ और बाद में दूसरा एलर्जिक रिएक्शन था लेकिन अभी हम चेक करते हैं और सब ठीक है थोड़ा डैंड्रफ बस और थोड़ा आई डिस्चार्ज होगा हाँ तो 100% नॉर्मल नहीं है डोंट गेट सिक अंडरस्टैंड सिक का मतलब समोसा बीमार होता है बीमार मत पड़ियो डॉक्टर निशा ये कहना चाहते हैं अब ये भाई साहब जो है ना हमने जो अपने गाय बैलों के लिए घास लगा रखी है उसको चरने आ गए हैं अब इसी चक्कर में लोग बैलों को मारते हैं अब इसकी क्या गलती जिसने इसको छोड़ा गलती तो उसकी अब इसको तो भूख लगेगी तो ये तो खाएगा कहीं चर ले आज रात तो चर ले हम एक साल पहले बोल छोड़ने आए थे ना तो यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी बताया था आपने वो थानोस के टाइम पे मिले तो थे हम तो पंचायत से कौन कौन से लोग आ गए कौन दुनिया आ गई यहाँ पे उठा लो इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना बस छोड़ते टाइम कोई तकलीफ ना हो ना ना कोई दिक्कत नहीं इसी ग्राउंड में छोड़ जाना इसके जो लेफ्ट हो उसमें थोड़ा सा खून वगैरह जख्म लड़ाई बड़ाई हुई है या कैसे मतलब लड़ाई वगैरह तो कुछ भी नहीं हुई है बस 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 डलगी 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 इसका पैर पैर इस तरफ करना है इसका पैर इधर करना है उठा के थोड़ा थोड़ा ही करो जिंदगी का मजा जिंदगी का मजा सरदार जी बढ़िया थे ना मोर को बना दिया टेम्परेरी वाली है बैठ लो ये हील हो चुका भाई डॉक्टर अनीशा इसका बोन ठीक हो गया मैंने सुना दो चीज है एक ही अभी मैगेटैक्स है बहुत नेक्रोसिस है ना और इन्फेक्शन है लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है एक बड़ा हूफ डिफॉर्मिटी है बी है ना बस 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 चीटी काटी बस और कुछ नहीं स्मॉल एंटी ट्यूब क्या करो विक्की तुम मैं कह रहा हूं राधा दीदी की तरह ये बैल ना अपनी मर्जी से उठेगा कुछ ज्यादा कोई कोई कमबैक ये तेरी तरह है सांड ओके राधा दीदी जोर लगाओ ना थोड़ा सा तो चलो 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 अबे ठीक होने आया तू यहां पे ठीक होके चला जाएगा राधा दीदी ठीक कर देंगे तेरे को अच्छा दे ले केला खिला के क्या दे रहे हो केले में दवाई मिला के दे रहे हो डिवॉर्मिंग हां पागल बना रहे हो तार फंसी हुई है वायर ट्रैप है कल परसों देखा इसकी लात में टांग का बुरा हाल था मेरे दोस्त के घर के पास वहाँ पर कूद रहा था ना वहाँ से और कांटे वाले तार से उसको लग गई चोट आपके सामने लगी थी इसको चलो कोई नहीं इसको ले जाके हम ठीक कर देंगे एक बंदे को जाना पड़ेगा सर मैं जाऊँगा अब चले जाओ भैया
निकलने मत देना भैया उस साइड से। बस 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 ओह माय गॉड ये अभी है जी yes. ये वही केस है जो सुबह आपको मैंने दिखाया था ना नगरोटा। इसका पैर इसलिए सूज रखा है क्योंकि तार फंसी है। कीड़े पड़े ऐसे लोगों को मैं ना कसम से सीरियसली। ये भी अधमरा सा ही लग रहा है मुझे। मतलब आपको याद है ना ट्विस्टेड आया था, हालांकि वो बहुत एक्टिव था स्टिल इतना इन्फेक्शन। ट्विस्टेड तो डिस्टेंपर की वजह से नहीं, हाँ गया, लेकिन वही है ना इंटरनली क्योंकि एनिमल वीक हो जाता है ना, इन्फेक्शन अंदर ग्रो हो रहा है, ब्लड कम हो रहा है, तो इसीलिए तो वो इम्यून डाउन होता है और फिर चांस बढ़ जाता है इनका। तुम कनन जी से मिले, हमारी जो वॉलंटियर हैं? हाँ इनसे मैं मिला। बात तो नहीं करी, मतलब मैं तो बात करी लेकिन उन्होंने सारी बात इंग्लिश में करी। अच्छा I had thought कि आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे इंग्लिश में। हाँ अरे इंग्लिश में तो इतनी मेहनत लगती है बोलने में, आप मानोगे नहीं। जैसे शिवानी से मेरी शादी हुई है, शिवानी मुझे पहले सबसे जो दिखने में तो अच्छी है, उसके बाद मुझे लगा कि भाई ये इंग्लिश बोलती है। मेरा इंग्लिश लेवल था इतना कि कैट डॉग ऐसे, मैं तो US जाके इंग्लिश सीखनी पड़ी ना बोलने में, तो वो फिर मेरा भ्रम दूर हुआ। आप मुझे बताओ आपके यहाँ आने की प्रेरणा क्या है? मेरा पेट बेबी था जो 2021 में 12 साल का हो करके गया और मैं रिकवर नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए फिर एक वो जो नर्चरिंग वाली इंस्टिंक्ट थी, आई थॉट कि ज़्यादा लोग बच्चे होंगे पास में, और दूसरा एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम बच्चे बड़े हो गए सेटल हो गए अब मैं खाली हूँ। थोड़ी एग्जिस्टेंशियल जो एम्प्टीनेस की आप बात कर रहे हो, हम उसको हमेशा प्लेजर या पीपल से भरने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, लेकिन मैं अब यहाँ आ कर के आई एम रियलाइजिंग कि इट इज़ एक्चुअली मोमेंट ऑफ प्लेजर फॉर मी, कि अब मैं बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो करके अब मैं वो कर पा रही हूँ कि जो एक्चुअली मैं करना चाहती थी, और मैं आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि मैं करना क्या चाहती हूँ। छोटा बेबी था, चेरब अडॉप्टेड ही था, 12 साल का होकर के किडनी फेलियर से हो गया, तो तब तक लगता था कि उसको देखना ड्यूटी है, तो उसके बाद एक्चुअली बिल्कुल एम्प्टी हो गई थी। तो देन मेरी बेटी ने ही आपका भेजा था पीपल फार्म कि आप देखो बेटी। सो नाउ आई हैव माय पर्पस, अब मैं देखती हूँ आप मुझे कितना टाइम तक टॉलरेट कर पाते हो यहाँ। जब तक सब काम से अलाइंड है ना तब तक सब परफेक्ट चलता है, जब उससे थोड़ा लेफ्ट राइट होना शुरू होते हैं, कई बार मैं भी होता हूँ, कई बार लोग भी होते हैं, अनबन सारी ना हाँ तब होती है। नहीं बट आई फील कि अगर आप कहीं पर वॉलंटियरिंग करने आ रहे हो, कुछ भी करने आ रहे हो, तो ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, जो करने आ रहे हो उस पर फोकस रखो, और जो आपको करने को बोला जा रहा है उसको ईमानदारी से करो, तो अपने साथ भी आप जस्टिस कर पाओगे। मैं एग्जैक्टली exactly. आपने कह ही दिया, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। तुम्हें मैं बताना चाहूँगा बिकड़ी बिकड़ी कि देखो ना, जब सारे लोग एक तरफ देख रहे हैं, एक पर्पज से अलाइंड है, तो सब पैरेलल चल रहे हैं ना, तो पैरेलल चल रहे हैं तो एक दूसरे से ना इंटरसेक्शन होगी ना इंटरफेरेंस होगी, सब स्मूथ चलेगा। ये तो है, ये आप कह रहे हो सास जैसी है आपकी। यार वैसे तो 50 यहाँ पे लोग हैं, उनके 50-100 अगर रिश्तेदार होंगे तो नाम वाले बचेंगे ही नहीं कोई। अब क्या नाम है आपकी सास का? उसको उसने जो लिया है, गीता या गीता? हाँ, वो फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। तो आप बीप और गीता कहना ना, बीप और गीता। हम जी भी लगा सकते हैं। हाँ हम सीता जी गीता जी रख देते हैं, बेटी जी सीता जी गीता जी। और इसका नाम, हाँ हम टेलीफोन नहीं रख रहे, इसका नाम हम रख रहे हैं डॉक्टर हिमांशु पे, क्योंकि वो भी ऐसे ब्राउन ब्राउन वाइट वाइट से हैं, तो हिमांशी हिमांशी ठीक है, हिमांशी बहुत प्यारा नाम है, ठीक है हिमांशी। पिछले ब्लॉग में तूने बोला था कि सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे, लेकिन वो दिखी नहीं किसी को। अरे यार वो मेरे को किसी ने बोला था कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है कि रात को इसने मिट्टू ने उन सबको मारा है, तो फिर मैं बोला था सीसीटीवी में आया होगा, तो सीसीटीवी में चेक करा तो उतना था नहीं। प्रॉब्लम क्या है इसकी? अरे उसके ना सीन में तो गड़बड़ी बहुत ज़्यादा ना। हाँ उसका सीन मतलब यहाँ से लड़ाई में उखड़ गया होगा, पता नहीं कैसे,
ये वही बैल है जो गाड़ी से कूद गया। हाँ, एथलीट का भाई लग रहा है ये तो। लात मार के ना टब तोड़ दिया था, कुछ नहीं मतलब वो तोड़ पीट गया। छूट गया तो हम छूट जाएंगे दुनिया से। ये देख क्या प्यार में ऐसे मर जाओगे। देख एक प्राणी और है हमारे पास। अच्छा इनसे तो हम मिल चुके हैं। नहीं है, ऑडियंस नहीं मिली ना इनसे। हाँ बिल्कुल नहीं मिली। ये नहीं आए, क्या करते हैं? कौन सा ऑफिसर हो? वेलफेयर एनिमल। अच्छा मैंने सुना आपका कल मूड खराब था। क्यों था जरा बताइए। दिव्यांशु की वजह से ना, लंच नहीं किया उसने मेरे। ये है दिव्यांशु। अरे यार भाई इस पे बैठने का मन कर रहा है, देखियो यू गद्दा बना बैठी है। मुर्गे देख, मुर्गे चार लाइन में खड़े हैं। चूचू, श्वेता, अकबर, अमरूद। डॉग्स कहाँ पे? डॉग्स अंदर ही है सारे, दिख नहीं रहे। उस साइड से जाना पड़ेगा हमें देखना। तो बारिश हो रही है ना, सब अपने अंदर उसमें घुस जाते हैं। कैंडल्स बना रखे हैं उसके अंदर। वो बोले मैं हूँ भी उसने बोला। धनिया भिंडी। कितने सालों से ये तो बचपन से ही है यहाँ। डॉग्स नहीं हो रहे ना? नहीं ये एंग्री है। एंग्री हंग्री हंग्री क्या एंग्री? पहले तो इसे हाथ भी लगाने देता। चिल है काफी ना? आप चिल हो गए। आए धनुष, ये किस्मत 30 का ये रेस्क्यू। अच्छा बिन बुलाए मेहमान। इसी गले में रस्सी थी वो वाला। हाँ ओके ओके, उसको हम गलती से लिया है। मतलब गलती से क्या, गलती से रेस्क्यू किसी और को करने। धनुष के साथ ना धूप में छोटे यही शक्ल देख इसके। मतलब फेस कट बहुत अच्छा है, डाल देते हैं इसका मैट्री मोनल। बड़ा भी है मस्त। कुछ नहीं कहता किसी से, मस्त बैल है। ये आहट ये काफी अच्छे से रिकवर हो रही है ना अभी तो विक्की। ओल्ड एज भी है ना थोड़ी, इसलिए रिकवरी स्लो हो रही है। अच्छा ये लेजर है। ओ इसका यहाँ पे लगी है ना चोट। इसकी भी बहुत जल्दी रिकवरी हुई। ओहो इसकी छिल गई थी पूरी ना। और ये जो गॉस डाले हुए थे बहुत सारे ना, ये था भाई वो बैल ना शंभू। पर ना मस्त रिकवरी करी धीरे 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 लग गया विक्की। सारे गेट नीचे मेरे बस पे रहते हैं यहाँ। गेट सही है, तू ज्यादा बढ़ गया। कंट्रोल में आओ थोड़े की भाई। जा रहे राजा को देख, पढ़ने का शौक है उसको ना, वो क्लिप बोर्ड चुराने की कोशिश कर रहा है। हम मारकर हम ला के दे देंगे उसको। राजा बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा बेटे? पापा मम्मी ने बोला था डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा, तेरा क्या मन था बता सही? भाई बाप माँ पे मत जाओ भाई, माँ बाप पे मत जाओ भाई। मुझे डार्क लगा क्योंकि राजा के माँ बाप के साथ क्या हुआ होगा। इसकी आइटम लगा तो मेरी जितनी, मेरे से खूब मत थोड़ा ही कम होगा ना। मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा डॉक्टर को पता होगा, ये अपने उस पे है चरम सीमा पे है। जैसे हमारे में जैसा एज आती है ना 20 से 30 साल की। अच्छा फुल एनर्जी जवान बोल रहे हैं, पूरा जवान गरम खून है। अरे भाई इसका भी रिश्ता ढूंढ देंगे, इसका घर बसा दे ताकि ये शांत हो जाए। छुट्टी भी लेंगे, शादी में भी जाना पड़ेगा ना भाई। तो जाना दाम रखियो भाई दाम।